हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। आसरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा 16 अगस्त को मुख्यमंत्री देंगे 101 बसपड़वा समाज के लोगों को मकान की चाबी। अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा आयोजित माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम के तहत सम्मानित हुई देश की वीरांगना और पुलिस कर्मी। जिला कुश्ती संघ द्वारा गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले कुश्ती व तैराकी प्रतियोगिता में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। रविवार को अल्प समय के लिए हुई झमाझम बारिश से फिर जलमग्न हुआ शहर, जल जमाव से जूझते दिखे लोग। चौराहों पर लगे अवैध होर्डिंग पर चला नगर निगम का बुलडोजर, पैडवे बनवाने के लिए पटरियों से हटवाया गया कब्जा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोदावरी मिश्रा के प्रथम गोरखपुर आगमन पर मोर्चा के सदस्य ने किया भव्य स्वागत, बैठक कर 15 अगस्त को आयोजित होने वाले भारत गर्व पर्व सहित विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा पर बनाई गई रणनीति। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों ने की मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। नगर निगम द्वारा भेजे गए भारी भरकम टैक्स से सौ व्यवसायी हुए परेशान, किया बैठक जताया विरोध। युवा नीति 2016 के क्रियान्वयन को लेकर हुई चर्चा, वक्ताओं ने कहा मिलना चाहिए युवाओं को उनका अधिकार। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मेरा रंग संस्था ने निकाली मेरी रात मेरी सड़क जागरूकता रैली, कहा पुरुषों के समान रात में भी सड़कों पर चलने को मिले महिलाओं को हक। और SC ST एक्ट को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया ने दिया धरना।